thank you, shukriya. मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, because I'm coming all the way from Toronto yesterday night. पर आप लोगों का प्यार और एनर्जी देख के वापस से जग गया हूँ. Thank you guys. अर्चन जी, आपने PS1 के बारे में सुना है? Of course, video game है. और तू कहाँ है कप्पू? PS1 की बात कर रहा है, PS5 तक आ गया है. खेल कूद, जुए से बाहर निकलो. ये PS1 जो है, ये मणि रत्नम साहब की पैन इंडिया फिल्म है. जोरदार तालियां होनी चाहिए. और आज PS1 से जो स्टार्स हैं, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं. चलिए उनको बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच. प्लीज वेलकम मिस्टर विक्रम. आप सभी का हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है. और ये सब इतने प्यारे लग रहे हैं, आज लग रहा है जैसे दिवाली आ गई है. हम सोच रहे थे कि आप लोग राजा महाराजा वाले कपड़ों में आओगे, पूरे गहने वहने पहन के. अर्चना जी ने तो स्कीम भी लगा रखी थी, कहती जब विक्रम आएंगे मैं बोलूंगी महाराज बधाई हो, आपकी फिल्म आ रही है, ऐसे हार निकल के मुझे दे देंगे. आपको पता मणि रत्नम साहब भी आने वाले थे, वो डर गए अर्चना जी के नाम से. कहते अगर मैं गया, अगर मेरे मणि रत्नम में से मणि और रत्न निकाल लिए तो मैं खाली हम का क्या करूंगा. जोक सपाट सर, बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज. विक्रम सर, क्या डैशिंग लग रहे हैं आप हमेशा की तरह. मतलब बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं सर, आप सब बड़े कमाल लग रहे हैं. अपरिचित जब आई थी उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में परिचित हो गए. जब आप अपरिचित शूट कर रहे थे, आपने ऐसे दिमाग में आया था कि एक दिन कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं सर, इनफैक्ट मेरा पहला थॉट बड़ा स्टार एंड ऑल दैट आई वांटेड टू बिकम, बट आई थॉट आई शुड गेट ऑन कपिल शर्मा शो. अरे सर, लव यू. इन माय 8th स्टैंडर्ड. That time it was 1976 or something. You're not born, right? Oh. But that time it was already written. Kapil Sharma Show, I need to be there. Risha, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ. मैंने जब बहुत खूबसूरत अभिनेत्री आती है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं बात क्या करने वाला हूँ. बहुत प्यारी लग रही हैं आप दोनों. Thank you, Kapil ji. आप शुरू से इतनी खूबसूरत हैं. आपको डिप्लोमा किया खूबसूरती का. हैप्पीनेस और जीन्स है ये बस. वाह, आंखें चुदिया रही हैं देखते इनको पास से. शोभिता देखिए आप, इनकी हाइट बड़ी अच्छी है, ये मॉडलिंग भी करती हैं, एक्ट्रेस तो हैं ही कमाल की. 2014 में इन्होंने कैलेंडर शूट किया था, 2022 आ गया. ये दिनेश है ना हमारा गिटार वाला, इसने अभी तक वो कैलेंडर संभाल के रखा है. इसको तो एक फ्लाइंग किस दे दो, इसका आज का पेमेंट हो और ये घर जाए. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे आपने देखा है बहुत बड़ी फिल्म है, 500 करोड़ के आसपास इसका बजट है. ओह वाह, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है. अच्छा मैंने देखा है, आम आदमी अगर 500 रुपए का पंखा धर्मशाला में दान कर देना तो साथ में स्वर्गीय दादाजी के नाम के साथ गांव का नाम भी लिखवा देते हैं. तो फिर उसको तेज भी नहीं चलाते कि दादाजी का नाम भी पढ़ता रहे साथ साथ में. आपने इतनी बड़ी फिल्म बना के नाम रखा PS1, इतना छोटा नाम बाय सर. बिकॉज इट्स लाइक फुल इंडिया है ना, बिकॉज ओरिजिनल नेम नाम पुनीन सेल्वन. अब जस्ट बोलो एक बार, पुनीन सेल्वन. पुनीन सेल्वन विद सेजवान सॉस. इट्स एक्चुअली गुड. आई मीन PS1 इज गुड. PS बेटर है. वाओ जैम सर. हाँ जी. यू आर गेटिंग मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय हिंदी. I love your Hindi, sir. If you want, I can speak in English also. No, sir. They're saying no. After that, it's up to you if you will understand or not. अच्छा मैंने Google किया तो विक्रम सर का पूरा नाम जो है वो दिखा रहा है कि कैनेडी जॉन विक्टर. सर विक्रम के नाम से बड़ा चक आ गया था जो आपने बाकी तीन हटा दिए फिर. I just cut it off because my घर में they call me Kenny. So Vikram, V I. Pitaji's hair, V I. Vikram, okay. V I. Vinod, K for Kenny, R A for Rajeshwari. My Mataji ka naam. Wow. And oh, I'm an Aryan, so I'm a Ram, so Vikram. Oh sir, oh, nice. Same Aryan. Pitaji, Aries log bade talented hote hain sir. भगवान नजर ना लगाए. सर कैसा लग रहा है? आपके दोनों तरफ बल्क में ब्यूटी बैठी हुई है. It's really nice. I don't want the show to get over. और फिल्म में ऐश्वर्या राय मैम है आपके. वो भी जी जी फिर सो सराउंडेड बाय. उनकी शादी हो गई ना. या और सुनाइए सर कुछ. कुछ नहीं है, बट आई वांट टू टेल यू अपार्ट फ्रॉम द जोक्स आई लाइक वी ऑल आर सो हैप्पी टू बी हियर कपिल. वी सर सर प्लेजर. इन फैक्ट व्हेन दे टोल्ड अस यू वांट टू गो टू बॉम्बे, द फर्स्ट थिंग आई सेड इज कैन वी गेट ऑन कपिल शर्मा शो, कुड यू प्लीज टॉक टू. थैंक यू सर. आई डिडंट से एनी अदर शो एंड आई थिंक दिस इज द ओनली शो वी आर डूइंग.
Thank you, sir. Thank you. It's a pleasure having you guys. It is. Mera, I mean, all our houses, BBs, our wives, they're all your fans and all of us. We are forced to watch, actually, and then we see it and we fall in love. Thank you. Pehla, like, no, no, you better see. And for me, it's a big thing. It's like really a help because whenever my wife gets angry or what, money didn't come this time and blah, 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 and you, why are you doing this? And then suddenly your show comes and, okay, okay, we'll see, talk about it tomorrow. I'm like, I'm so happy for that. Thank you, so thank just you, for sir. That, thank you very much. Aapne hamara rate bada diya market mein, sab bolke, itne sare compliments. I can say something better, in fact. Oh, so yes. When they told me PS is going to be promoted on the Kapil Sharma Show, I just asked, I said, mera Hindi thoda weak hai, so is it okay? 100 people told me, how can you not be part of the Kapil Sharma Show, number one show in India? Thank you. Oh, wow. And everyone, you have to be on it. Absolutely. It's my small request to channel. कि अभी अभी जो त्रिशा ने बोला और विक्रम सर ने बोला ये लाइन को काट के 10-10 बार रिपीट करके प्रोमो चलाया जाए। True story. Is it true your nickname is honey? Yes. My father used to call me that. But अभी तो my nickname is trash. Huh? Trash. 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 Why would you advertise this fact, Trisha? I don't know because everybody just started calling me She's trash. She's always into trash talk. But honey, bhi kitna pyara name. Inko hi suit karta hai honey, hai na? Abhi to nobody calls me honey anymore. It's just trash. Aapko to koi aadha ghanta lagatar dekh le, uski waise diabetes badh jaye. I'll make it honey for you, Kapil ji, again. Oh. Don't call Kapil ji. Aise kya hai? जैम सर की जो डेब्यू फिल्म थी उसका नाम जैम था फिर उन्होंने अपने नाम में जैम जोड़ लिया जैम रवि सर अगर आपकी फिल्म का नाम लड्डू होता फिर भी आप यही करते हैं लड्डू रवि है तो आप स्वीट ही बहुत जैम मींस विक्टरी सो ऐसे ही जुड़ गया रवि तो पूरे इंडिया में कॉमन नेम है तो जैम रवि ऐसे ही जुड़ गया तो विक्टरी भी जुड़ गई मेरे साथ ऐसे ही क्या बात कपिल जी जी सर पहले क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं प्रमोशंस के लिए नहीं आया हूँ आपसे मिलने के लिए अरे थैंक यू सर थैंक यू ऑनर सर क्योंकि इतने सारे लोग हैं हमारे भारत देश में सब लोगों को मनोरंजन करते हैं उनको खुशी देते हैं आप दिस इज इक्वल टू डिवाइन थिंग कपिल जी ऑल द बेस्ट ऊपर वाला सर करवा रहा है अच्छा एक विक्रम सर की और फिल्म आई जो हमने देखी उसमें बड़ा कमाल का सीन है जब ये लड़ाई होने से पहले ना इनके जूते का लेसिस खुल जाते हैं और ये ऐसे से घुमाते हैं करके और वो तस्मा बन जाता है अपने या, या, या। वो सीन देख के हमारा पांडे ना ड्रमर इसने भी ट्राई किया इसने ट्राई किया पजामे पे क्या पता नहीं किस तरीके से इसने पेट घुमाया पजामा तो बंदा नहीं पजामे के नीचे जो पहना था वो भी निकल गया कभी ऐसा हुआ किसी फैन ने ऐसा बोला हो कि सर ऐसे ऐसे करके बांध के दिखाई ज्यादा फैंस And Isn't now all my shoes became like this. I did that, lace went off inside. So pajamas also, you can try that. Karthik sir, jab bahut baar aapko aise scene bhi karne padte honge na, jaise filmon mein hota hai aksar, ki larger than life filmen banti hain, ki jahan pe ek goli hai aur aadmi char mar rahe hain. Aapne pair patka aur 10 log uchhal bhi jate hain. तो कभी कभी आप फिर डायरेक्टर से आर्ग्यूमेंट करते हो कि ऐसा फिजिक्स हमने भी पढ़ी है ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टर बोलता है कि नो डोंट गो विद द लॉजिक जस्ट गो विद द मैजिक होता है ऐसे सी वी आर यूज्ड टू वाचिंग रजनी सर्स फिल्म हाँ क्या बात ओनली रजनी सर कैन डू ऑल दैट क्या बात वी कीप अ लिमिट और हमें विश्वास भी होता है रजनी सर शूट्स 10 पीपल विल डाई इफ आई शूट 2 इज इनफ आई डोंट वांट 10 ये मेरा सवाल आप सबसे है कभी ऐसा हुआ कि कोई आपको लग रहा हो कि यार ये मैं सीन मेरा कन्विक्शन नहीं है एज एन एक्टर पर डायरेक्टर के बोलने पे कर दिया हो लेकिन बाद में उसी सीन पे बड़ी तालियां भी बज रही हूं कन्विक्शन के बिना मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं अच्छा और जो भी हो मैं बोल देता हूं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा सो सॉरी व्हाटएवर आई कैन आई विल डू सर मैं सीरियसली ट्रेलर में देखूं आपका रूप ही अलग और यहां पे बैठे इतना स्वीट आदमी डोंट लेट दैट फूल यू ऐसा लग रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी देने आए त्रिशा शोभिता आप दोनों क्वीन बनी हैं फिल्म में मतलब जो आपने ज्वेलरी पहनी बड़ी प्यारी लग रही है दोनों आप प्रोड्यूसर से बोलते हैं कि हमें ओरिजिनल चाहिए नहीं तो हमें फील नहीं आता ऐसा इट इज ओरिजिनल एवरीथिंग हेड टू टो वाज इवन द हेयर पीसेस व्हिच वी पुट ऑन इट वर ओरिजिनल तो शाम को एक प्रोडक्शन वाला भी खड़ा रहता होगा मैडम यही रह गया डायमंड इधर रह गया बॉडीगार्ड ज्वेलरी के लिए हमारे के लिए ईच एक्टर हैड 4 बॉडीगार्ड्स
Oh, so wow. We couldn't even like... And normally after shoot, wow. If we like a costume, we'll say this pant is good, we'll take it. Huh. So that's why they had the bodyguards. But Lohi ki jacket kahan leke jaoge jo aapne pehni hui? We can't take any of those. I don't want to take it. It's 40 kilos. Who wants to wear it around? Actually, seriously. अच्छा 120 दिन का ये शूट हुआ है और आप कितने कमाल के एक्टर हैं कैरेक्टर में जब आदमी घुस जाता है तो 120 दिन के बाद जब आप घर आए तो आप नॉर्मल थे कि आपको घर पे भी आदत हो गई थी कि ऑमलेट पेश किया जाए हैं ऐसे तो नहीं होता था आपके साथ नहीं फील में आदमी चला तो जाते ये कैरेक्टर में है ना नो रवि हैड दैट प्रॉब्लम बिकॉज मनी सर कॉल्ड हिम एंड सेड feel like a prince for next 60 days even in the house you should be like a prince six months so he started like that only first he got tough then slowly got yeah. used to it itna bhi nahi sirf ye sirf kafi kisko bolte the ye twice itni himmat nahi hoti kisi bhi raja maharaja mein ah utna risk nahi leta hu main thappad mile There, the wife started doing. He just copied the wife. No, she becomes a queen, and she'd say, "Ravi." Then he said, "Acha hai na." So we'll do this. No, us kamre pe nahi jata hoon main. Bas kitchen side pe rehta hoon main. Aur ye sab wahan pe hoga. Aur sir ne bola ki tu feel karna hai is character ko 6 months. Aur tu kider bhi dekhega, tera hai. Jo dams jo build hoga, wo tera hai. Aur main bhi terrace pe jaake dekhta hoon. वो सब बिल्डिंग्स मेरा है सो ये सब थोड़ा सा मदद किया है कैरेक्टर को उसके स्किन के अंदर आने के लिए मदद किया है पर मनी सर इज अ मास्टर व्हाट एवर ही सेज वी जस्ट फॉलो लाइक अ गाइडलाइन ऐसे मेरे मन में ना खुराफाती चीजें आती रहती कभी कभी मैं सोचता हूँ जो कभी राजा महाराजा होते थे वो तो जर्दा वगैरह खा नहीं सकते होंगे क्योंकि अगर कोई महाराजा जर्दा खाता हो तो वो ऐसे करे सैनिक आ जाए जी महाराज अरे कुछ नहीं मैं तो अपना ओके बट वन थिंग आई एम वेरी ग्लैड आई एम एंजॉयिंग योर जोक्स बिकॉज आई वॉच सो मेनी हिंदी फिल्म्स आई एम एबल टू फॉलो व्हाट यू आर सेइंग आई एम सरप्राइज्ड आई एम इंप्रेस्ड विद माय सेल्फ एक्चुअली अपनी तारीफ कर गए इसमें भी सर इतना भयंकर एक्शन करना और वो भी धोती भी पहननी है ऊपर से इतने भारी कवच कभी एक्शन करते करते धोती में पैर फंसा आपका कभी नहीं फंसा वो पूछे बहुत हार्ड एक्शंस है ड्यूरिंग एक्शन सीन्स द मैक्सिमम पीपल हु गॉट शाउटेड एट बाय मी इज द कॉस्ट्यूम पीपल बिकॉज़ हाफ द टाइम माय नाइफ गोस इनटू माय क्लोथ्स आई डायरेक्ट माय सेल्फ आई सेड माय विलन इज नॉट एनीवेयर अराउंड माय विलन इज माय धोती ओनली नोबडी ओहो सोचो आप घोड़े पे जा रहे हो यलगार हो धोती खिंच जाए बंदा पहले जाकर तैयार हो आप यलगार तो बाद में करो अच्छा आजकल तो VFX इतना अच्छा हो गया है हॉर्स राइडिंग के सीन में अगर हीरो हीरोइन बैठे हैं खाली ऐसे से कर रहे हैं तो VFX में नीचे घोड़ा डाल देते हैं आपने VFX का सहारा लिया आपने हॉर्स राइडिंग भी सीखी ओरिजिनल हॉर्स राइडिंग वाओ आई डिडंट हैव हॉर्स राइडिंग But हाथी के ऊपर या we had a little bit of हाथी के ऊपर I have to sit because वो princess है ना so every scene में she enters on a carriage on a हाथी okay so it's that I mean that part of it our jobs were easier but the guys really really went through wow there was a scene where I had to मतलब हाथी के ऊपर मुझे चढ़ के जाना था उसमें और ये help कर रहे थे मुझे फेंक दिया उसके ऊपर little push क्योंकि एक दो बार इन्होंने हेल्प किया था ऐसे क्योंकि मैं ऐसे कान पकड़ के उसके ट्रंक के ऊपर पैर मुझे डर भी लग रहा था बिकॉज़ आई डोंट वांट टू हर्ट द एलिफेंट एक दो बार किया यार करना जति पार्ट yeah, yeah. आपको लगता है आप एलिफेंट को हर्ट कर सकती हैं मतलब एलिफेंट इज अ ह्यूज क्रिएचर भगवान ने ऐसा yeah. पर जब आप एलिफेंट पे बैठती थी एलिफेंट ऐसे मुंह मुड़ के नहीं देखता था आपको Once और वो पूरा कैरेज वेंट लाइक दैट वी वर लाइक मूविंग सो इट्स अ लिटिल हाथी बड़े चालाक होते हैं फ्लर्ट होते हैं वो आई थिंक इट वाज अ मेल एलिफेंट सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट वाज लाइक डूइंग क्वाइट अ बिट ऑफ अ डांस व्हेन आई वाज सिटिंग ऑन इट लड़के बैठे होंगे तो सीधा चलता रहेगा कोई बात नहीं बैठ गए लड़के बैठे तो हाथी हां आ गए सर हमारे शो में एक सेगमेंट है सर जहां पे हम लोग सब फिल्म स्टार्स की पिक्चर्स निकालते हैं इंस्टाग्राम में से और जो इंडियन जो जनता है ये बड़ी क्रिएटिव हो गई आजकल
नीचे कमेंट्स कुछ भी कर सकते हैं. Okay. तो हम लोग सिर्फ फनी फनी वाली चीजें उठाते हैं. तो कुछ पिक्चर्स हैं आप सबकी, हमने निकाली हैं. तो उनके कमेंट्स जो आपके फैंस करते हैं वो आपको दिखाएंगे. प्लीज दिखाइए जरा. सुभिता ने ये फोटो डाला है, भैया ये कितने का है? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. गाली थे क्या सबको? अरे आपने भैया बोल दिया, अब ये जरूर रेट बढ़ा के बताएगा. किसी ने लिखा, मैडम भाव क्या पूछती हो, आप कहो तो वरमाला बना के गले में डाल दे. और आगे दिखाइए. वाह विक्रम सर, ये बड़ा कमाल का फोटो और कमाल का एटीट्यूड है. ये फिल्टर यूज किया है कि सच्ची में आग वाले चश्मे पहने आपने? फिल्टर यार, इतने बड़े बड़े स्टार्स आप भी ऐसे काम करते हो? हमें लगा हम ही बैठ के घर पे ये सब करते हैं. दिखाइए कमेंट्स. चश्मे में आग देख के लग रहा है आप तंदूर के सामने खड़े हैं और बता रहे हैं 3 तंदूरी इस प्लेट में. किसी ने लिखा है, फीमेल फैंस के सामने अपनी रिंग फिंगर छुपाते हुए. चश्मा जरूर अनु मलिक साहब का है, उन्होंने इसमें भी आग लगा दी. सर चश्मा उतार दो, आईब्रो जल जाएगी. और दिखाइए. से हाय टू माई बू, स्काई इज योर लिमिट. वाओ ब्यूटीफुल पिक्चर. घोड़े भी लड़कियों के साथ फोटो खिंचाते हैं, मुंह सीधा रखते हैं, लड़का खिंचाए तो उधर मुंह कर लेते हैं. दिखाइए जरा. आपको देख के घोड़ा भी एक टांग पे खड़ा हो गया. राइड से पहले घोड़े को ओटीपी बताते हुए. और दिखाइए. पुलियम ये पेड़ है, पेड़ का नाम है. Yeah. Which I had tried to claim all through my childhood. Finally, I have done it. दिखाइए नीचे कमेंट्स. अभी ये थोड़े कच्चे हैं, पकते ही पेड़ से गिर जाएंगे. ऐसे स्टंट में एक ही टेंशन होती है, जेब से चिल्लर गिर जाते हैं. लटके तो ये चमगादड़ की तरह हैं, बस ये कबूतर वाला काम ना करते. और दिखाइए. मैं भी बीवी से बचने के लिए 7 दिन पेड़ पे रहा था. देखना घोंसला समझ के चिड़िया ना घुस जाए. You don't get it by staring. You don't get it by wishing. You don't get it by hoping. You don't get it all easy. Oh ho, sir, so much English. आइए कमेंट्स पढ़ते हैं. Costume designer. Is it good costume design? Yeah, getting a good. इनके पैर देख के लग रहा है ये confused हैं, सामने जाना है या left. सर ये सच में सुपरमैन पोज है या चड्डी ढीली है उसे पकड़ा है? Actually, चड्डी पोज है. और दिखाइए. लगता है इनके घर के बाहर सांड खड़ा है, वो चला जाएगा उसके बाद ये घर से निकलेंगे. लाल रंग पे अटैक करता है ना. नाउ आई कैन ऑल्सो से मैं चिया को तब से जानता हूं जब वो चड्डी में घूमता था. और दिखाइए. त्रिशा ने फूड डाला है, वाइस मैन वंस सेड गेट अ जॉब यू डोंट नीड अ वेकेशन फ्रॉम एंड सो आई डिड एंड आई एम स्टिल वेकेशनिंग. वाओ अच्छा 19 साल हो गए इंडस्ट्री में. वाओ क्या बात है. तो त्रिशा आप 2 साल की थी जब इंडस्ट्री में आ गई थी. आई लव यू फॉर सेइंग दैट कपिल जी. मुझे आई लव यू मत बोलो, मैं पीछे तक आ जाता हूं फिर. कमेंट्स दिखाइए नीचे. जॉब कितने साल की हो गई लड़कियां ये तो बता देती हैं, खुद कितने साल की हैं ये कभी नहीं बताती. तो ये तो जरा सा केक खाएंगी, देखना पीछे वाले सारा केक लूट लेंगे. और दिखाइए. स्कैरी नो. या आई नो इट्स लाइक मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे ही 3 मंजिला केक लाता था, मेरे घर की 2 मंजिलें बिक गईं.
अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। और दिखाइए। Oh, sweet. Happy forever to us. Thanks to everyone for the love and wishes. God bless. Oh, yeah. Wow. My wife. Nice picture, sir. दिखाइए कमेंट्स। आदमी चाहे सुपरस्टार हो, गर्दन बीवी के हाथ में ही होती है। बीवी चाहे कहीं और ही क्यों ना देख रही हो, याद रखना नजर हमेशा पति पे ही रहती है। ट्रू। सर आप इतना सीरियस दिख रहे हो, लगता है शादी को कई साल हो चुके। और दिखाइए। वो ओहो, हेलीकॉप्टर एंड द कॉप फ्रॉम हेल। वाओ, नाइस पिक्चर सर, दिखाइए कमेंट्स। आई एम स्केयर्ड अगेन। अभी ये जोर से पंखा घुमाएंगे और हेलीकॉप्टर उड़ने लगेगा। विक्रम सर पार्किंग के लिए झगड़ा करते हुए, लोग पतंग लूटते हैं, इन्होंने हेलीकॉप्टर लूट के रख लिया। जब प्रोड्यूसर कहे हेलीकॉप्टर मैं दे दूंगा, पेट्रोल आप भरा लेना। और दिखाइए। काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स 11 for 96। वाओ, कितने सारे अवार्ड्स। Not so modest moment. दिखाइए नीचे कमेंट्स। आपकी बाहों में अभी भी थोड़ी सी जगह खाली है, क्या मैं उसमें आ सकता हूँ? किसी ने रिप्लाई किया है, सेंट्रल जेल में बहुत जगह खाली है, तुम वहां आ सकते हो। और दिखाइए। खत्म। थैंक यू। कितने खूबसूरत लग रहे हैं एकदम मेरे जैसे। तो नजर न लग जाए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ पुष्पा। मैं फायर नहीं, नायर है। पुष्पा तो चंदन की स्मगलिंग करता था ना, ये मरीजों के फल उठा के आधे रेट पे बेचती, नर्स है ये। कॉमेडी करती। मोहल्ले का सबसे कॉमेडी आदमी। कैसे चला आप लोग, सब ठीक है? अरे इतना बड़ा मेहमान है, आप खाना वाना पूछे नहीं, आज आप लोग इडली बने स्पेशल है, चटनी सांभर खाओ प्लीज। ट्रेलर देखा आपने इनका? अरे जबरदस्त ट्रेलर देख के ना मेरे को ना पूरे बॉडी में तो छोड़ो मुंह पे गूसबम्स आ गए। सच्ची जो तेरे मुंह पे आया ना, वो गूसबम्प नहीं, दाढ़ी बोलते उसको। शी इज असेंबल्ड लेडी, नॉट ओरिजिनल। ओके, इट टेक्स 2 hours टू कन्वर्ट हिम इनटू हर। ओ माय गॉड, गॉड ओ माय, माय गॉड ओ। हम आपको बता नहीं सकते कि हम आपके कितने बड़े फैन हैं। देख बहुत अच्छा लग रहा है। आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। इफ योर क्लोथ नॉट डर्टी वी नॉट फ्लर्टी। उनके कपड़े बहुत साफ है, उनका कोई गंदा नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे कोई धंधा नहीं, निकलिए आप यहाँ से। नहीं, एक मिनट, कपड़ा अभी गंदा नहीं है। लेकिन जिस तरह ये कार्ती जी टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं, क्या पता थोड़ी देर बाद इनका ये कपड़ा के ऊपर लिपस्टिक का दाग हो। हो सकता है ये काश मोरा सैया बन जाए। ए काश मोरा, उधर तक ध्यान है, ठीक है? हमारे जयम रवि सर के देखना नहीं है, गंदा नजर से। मैं ही देख रही हूँ उनको गंदा। ठीक है, हम नहीं देख रहे, हम तुम्हें देख रहे हैं। क्या लेकर आई हो? इडली और वड़ा लेकर आए हैं, ये खाते हैं। दे नो इट फ्रॉम बिफोर। कुछ वैरायटी चाहिए इनको। देखिए सर, हम आपके लिए क्या लाए हैं। दिस इज हियर, यू सी, दिस इज लिट्टी, दिस इज चोखा, लिट्टी चोखा, ओके? This is all the way from Bihar. It is speciality. लिट्टी को जो है चोखा के साथ खाते हैं।
अभी चोखा बनता कैसे, आई विल एक्सप्लेन टू यू. आलू होता है, बैंगन होता है, दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार होता है. बीच में एक टमाटर आता है, तीनों में टकरार होता है. हाय हाय हाय. गुत्थम गुत्थी होता है, प्रॉपर वार होता है, तब जाके एक अच्छा सा चोखा तैयार होता है. इट इज वेरी गुड. क्या फालतू शायरी क्या मारे, मैं लाया नहीं इधर इडली, बीच में चोखा पोखा लाने का क्या जरूरत है तुमको? क्या जरूरत है? हाँ? पूरा दुनिया में ऑलरेडी इतना सारा फालतू लोग है, तुमको पैदा होने का क्या जरूरत है? ए गुड़िया, मत हंसा कर ऐसे, जो चीते इंडिया में हैं भाग जाएंगे वो. वे चीता चीता चीता, यू नो सर, इंडिया हैज गॉट चीता. आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. ये चीता का जो फादर होता है, लाइक पापा ऑफ चीता, तो चीता अपने फादर को क्या कहेगा? चीता जी के पिताजी. जस्ट अ जोक. खैर, आपका फिल्म का ट्रेलर देखे, जोरदार ताली. ओहो, लेकिन हम ट्रेलर पे देखे आप लोग घुड़सवारी कर रहे हैं, लाइक हॉर्स राइडिंग, यू आर गोइंग ऑन हॉर्स लाइक दैट. हमारा भी हॉर्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है. गांव में हम अपना कपड़ा जब धोते हैं तो घर घर हॉर्स पे ही लेके जाते हैं कपड़े को. हॉर्स नहीं, वो गधे होते. हमको मालूम है, पर हमारा जो हॉर्स है वो एक नंबर का गधा ही है. हम एक बार उसको 100 रुपए का नोट दिए, बोले जाके चना खरीद के खा लेना. वो हमारा 100 रुपए का नोट ही खा गया. Eat my 100 rupees, that horse. वो घोड़ा ही है, गधा कोई और है. गधा कौन है, हम तो देखे नहीं. मालूम है कप्पू है ना, किसको गधे बोले. ऐसा जोर का नाते हमको गधा बोल रहे हैं. आई विल टेल यू अबाउट हर. ये जो है हॉस्पिटल में काम करती है, वहां पे यू नो इंजेक्शन, ये अपना इंजेक्शन हॉस्पिटल से लेकर घर लेके आती है, छोटा छोटा बच्चे को पिचकारी बोल के बेचती है. लाइक पिचकारी, यू नो. मेरे प्रोफेशन के बारे में फालतू बात करेंगे तो देख मैं क्या करते हैं. क्या करते हैं? मैं कह रहा ये लिट्टी है ना, उसको ऐसे इंजेक्शन से होल करके मेदू वड़े बनेगा, समझे ना. हम तो ऐसा चूड़िया नहीं पहने हैं, तुम्हारे मेदू वड़ा के अंदर सत्तू भर के हम उसको लिट्टी बना देंगे. ए जाड़िया. जाड़िया नहीं गुड़िया. आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? समाज को बुरा बना रहे हैं आप लोग, मत झगड़िए. ए ससुर का नाती. इधर जा. दो लेडीज का बातचीत चल रहा है, आप कहाँ बीच में क्यों आए हैं? समाज पे बुरा असर पड़ता है, अम्बी ये बर्दाश्त नहीं करेगा. बर्दाश्त निकल यहाँ से, दो जन अच्छा वाला झगड़ा कर रहे. तू बोल. ये क्या हो गया? अरे भाई हाय ना. अभी मैं नर्स. नर्स, नर्स जरा चेक करो. ठीक है भाई, तुम ठीक हो? ये ठीक है. पता नहीं क्या हाय. तुम कौन हो? मैं मैं वो हूँ जो पापियों को सजा देता है. मतलब मतलब कौन? अपरिचित. अपरिचित. तुमने पाप किया है. हमने लोगों के कपड़ों में कभी सांप कभी केचुए डाल देती हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी. और वो पनिशमेंट है कूपी कुंभम. इसमें क्या होता है? खोलते हुए तेल में तला जाएगा. ठीक है, तल दीजिए हमें, हम डरते नहीं है, तल दीजिए. पूरी बात तो सुन मोटी. खोलते हुए तेल में तुम्हें नहीं, उस तेल में भजिया समोसा तला जाएगा. और तेरे सामने बैठ के मैं खाऊंगा. ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, समोसा मुझे ऐसे करने का. ए, तू क्या हंसती है? तू नारी नहीं पिसाचनी है, पिसाचनी. ये पाप है और इसकी सजा है जुअम बानरम.
ये क्या होता है? पेड़ पे बैठ के बंदर के जुए निकालने हैं। ये तो बहुत सिंपल है। मैं हर संडे उधर झाड़ पे बैठते थी। कैक्टस के पेड़ पे बैठ के बंदर के जुए निकालने। कैक्टस का पेड़ पे और तुम लोग क्यों झगड़ते हो? तुम्हारा डोसा अच्छा है, तुम्हारा लिट्टी अच्छा है, सब अच्छा है, ये जड़ है झगड़े की। हाँ तो, हाँ हाँ, मैं इसे खत्म कर दूंगा। क्या कर रहे हो? मैं भोजनम। लिट्टी को काहे को हाथ लगाया? ये नहीं खाना है। तुरंत चटनी मिक्स कर दिया तूने, गेस्ट के लिए लेकर आए थे, काहे को हाथ लगाया? देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैंने जानबूझ के किया। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे पसंद है। मैं सच में मैं ये नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। 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 माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए सुनिए, देखिए देखिए, हम आपको माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन हमारी एक मांग है। कौन सी मांग? ये वाली मांग। ये वाली मांग आपको भरनी होगी। क्या है कि आप हमें थोड़े पसंद आ गए हैं। नहीं नहीं, देखिए ये क्या बोल रही मोटी। यही तो हमको पसंद आ रहा है, ड्यूअल पर्सनालिटी, स्वीट एंड सॉल्टेड मिक्स। एक साथ हमको दो दो पति मिल जाएगा। क्या है कि नहीं बेनिफिट? आइए हमसे शादी कर लीजिए। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड। तुम बोलते कुछ नहीं मुझे। मैं कुछ नहीं, मैं नहीं, वो तुम समझते हो। देखिए आइए ना, हमारे साथ सात फेरे लेंगे, साढ़े तीन ऐसे ले लेंगे, साढ़े तीन ऐसे ले लेंगे। मुझे डांस कर, इससे तो शादी हम भी करेंगे। अरे मुझे छोड़िए, मैंने कुछ, मुझे छोड़, मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो चलो, चलो। इससे शादी हमको करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इससे शादी हम भी करेंगे। आइए आइए सर। दुखी हृदय के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि शोभिता जो है इनको आगे शूट पे जाना है। हमारा मन तो नहीं कर रहा है भेजने का, पर वहां पे भी आपका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शोभिता, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शूट। थैंक यू। बाकी के मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। आइए सर, आप प्लीज। कार्तिक सर के बारे में आप सब जानते हैं, इन्होंने बहुत एक्शन फिल्में की हैं, अभी ये पीरियड फिल्म कर रहे हैं, उसमें भी एक्शन कर रहे हैं। सर आप रोमांस करना नहीं चाहते या कोई है जो आपको करने नहीं दे रहा? वन फिल्म आई डिड लव स्टोरी बिफोर मैरिज, बिकेम सुपरहिट। After marriage, I've not done any love story. And then my wife keeps saying, why do you want to do romance in every film? Why? You have to have women in the film. So then I did Kaidi. That became super hit, no heroine, no songs. She said, see, this only works for you. You do films without songs. Karthi sir, khud to actor hain. Inke papa jo hain, Siva Kumar ji, wo bhi actor hain. Inke bhai Surya bade kamal actor hain. Unki wife Jyotika bhi actor hain. Ye to actor hain hi. कहने का मतलब ये है कि दे हैव ए स्मॉल यू नो शॉपिंग मॉल ऑफ एक्टर्स। कपिल जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? आई जस्ट वांटेड टू, नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड स्टफ, हाउ इज योर फिल्म स्विगितो कमिंग आउट? ओह या, ओह स्विगितो, ही इज एक्चुअली डूइंग अ फिल्म वेयर देयर इज नो कॉमेडी। वाओ, ही इज अ फूड डिलीवरी बॉय एंड ही इज अ कॉमन मैन, इज अ वेरी सीरियस रोल, एंड नंदिता दास डायरेक्टिंग, एंड आई सपोजिटली यू हैव डन वेरी वेल। थैंक यू विक्रम सर, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। या माय मूवी इज गोइंग टू बसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बट हाउ वाज इट एक्टिंग? सीरियस, बहुत मजा आया सर। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके का रोल किया। डायरेक्टर बहुत कमाल है बेसिकली। सो यू गोइंग टू बी अ सिंगर एंड एन एक्टर एंड सर हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं जहां पे। डोंट गिव अस कॉम्पिटिशन। अरे सर होशियार, म्यूजिक घराने से राजाओं के राजा घर छोड़ दास पधार रहे हैं।
बेवकूफ है तू, पधार रहे हैं, पधार तू पधरने तो दे मुझे, अकेला ही पधरा ही जा रहा है, पधरा ही जा रहा है। समझदार बेवकूफ है तू, जाके कह देना हमारी राज्यसभा में ये मेरा कच्चा सुखाना है धूप में, ठीक है, और इसको ये ऐसे नहीं चलता, इसको थर्ड गियर में ऐसे डालना पड़ता है, चलो बेवकूफ। हैं क्या बोला तू, क्या बोला बेवकूफ। हम तुम्हारी इस बात से खुश हुए, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। वेरी गुड, और बोल देना राजा का हुक्म है कि ये कच्चा धूप में सुखा के निचोड़ना भी है, ठीक है राजा साहब, जाइए जाइए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं एक राजकुमार का सल्तनत हूँ, नहीं सल्तनत का राजकुमार हूँ। एक मिनट। हाय सर, हाउ आर यू? नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई, वेलकम। आप लोग की फिल्म का ट्रेलर देखा, सुपर्ब, इट्स अमेजिंग, सो मच ऑफ एनर्जी एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच। इतनी जोर से मुंह मत हिलाया करें, पिछली बार भी आपका मुंह नीचे गिर गया था। साहब मैं भी म्यूजिक का काफी जानकार हूँ। कोई जानकार नहीं है सर जी, ये सबसे मार खा चुके हैं, कुमार शानू, उदित नारायण, खुद आशा जी ने दो थप्पड़ मारे इनके पर। आप रहमान साहब का नाम भूल गए, उन्होंने भी मारा। त्रिशा, मैं आपको म्यूजिक सुना सकता हूँ? ओके। तो सरगम त्रिशा, त्रिशा नहीं, निशा होता है, निशा हो, जब मैं सामने त्रिशा बैठी है, मैं निशा को याद क्यों करूं? त्रिशा त्रिशा त्रिशा, सुना आना प्लीज, थोड़ी सी बात मान लो मेरी। कल एक सांप मेरे पास आ गया, ओए मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो उसने एकदम ऐसे करके वो टेढ़ा हो गया। तो मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मैं उसके पास जाके मैं भी ऐसे टेढ़ा हो गया, तो एक हार्ट बन गया। हार्ट त्रिशा, इट वॉज अ मोमेंट। ये जो सांप एक हुए ना अभी, आपको पता है मैं बहुत मजा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था इतने में, लेकिन उसका पति आ गया, हम लोगों को शक की निगाह से देखा, और जानते हैं मुझसे क्या कहा? क्या कहता है? बताइए ये कोई बात हुई? मैंने उसको समझाया भी, मैं कहा नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट हैविंग फन। सांप इतना गुस्से में, मैं उसको कह रहा हूँ सुन नहीं रहा, उसके कान नहीं थे ना तो सुना नहीं उसने, लेकिन उसने मेरे कान पकड़ लिए और ऐसा डसा कि फिर मैंने कहा जब छेद हो ही गए तो मैंने ये दलवाए दो। तो ये है, उसने जब आपको डसा, जहर नहीं चढ़ा आपको? तो ये मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म की स्टोरी सुना रहे थे। जयम जी, जयम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जी। क्योंकि मैंने टार्जन मूवी देखी, आपका एक डायलॉग मेरे दिल को छू गया। कौन सा डायलॉग? मैं वो सो टच की चार पांच दिन तो मैं ही ऐसे घूमता रहा। एज उस्ताद आई डू लॉट ऑफ शोज एज उस्ताद, तो मैं एक कबीले में गया, मैंने वो जाके उनको गाना भी सुनाना चाह रहा था, तो उन्होंने एक्साइटमेंट में मेरा पहले वेलकम किया, आते ही उन्होंने
ऐसा करके मेरा स्वागत किया उन्होंने। अरे वो बोल रहे थे वो आर यू, ये पूछ रहे थे आपसे। हाँ हूँ क्या कह रहे होंगे, मेरी दूर की इंग्लिश कमजोर है, सुनाई कम देता है मुझे दूर से। तो मैं गया और वहाँ के कबीले के जो राजा थे वो मुझसे मिले और उन्होंने आते ही अपना फरमाइश की और कहते हैं कि मैंने कहा साहब आपकी ये फरमाइश सराखों पर। मैंने फिर गाना वहीं उसी वक्त कंपोज किया, उनको सुनाया, मैं कहा न्यूम टक रे इतने वो खुश हो गए कि उन्होंने फटाफट मेरे ना गीले बेसन लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा शायद खुशी के मारे मेरी कहीं से शादी करा देंगे, लेकिन मुझे तब पता चला जब उन्होंने मेरे को एक लकड़ी पे मेरे दोनों हाथ पर बांध के आग पे ऐसे ऐसे चलाना शुरू किया, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि कुछ गड़बड़ है। देन आई केम टू नो कि वो अपना बेसन सुखा रहे थे। बेसन नहीं सुखा रहे थे, आपको भून रहे थे वो। तो मैं भूनूंगा तो ही तो बेसन सूखेगा ना। तो वो मेरे को वहां भूनने लग गए और पहले मुझे भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं, क्योंकि शरीर ने सिर्फ पजामा जला था, लेकिन जब लौ चड्डी के अंदर गई ना तब मैंने कहा आप बोल के थक गए होंगे, आपका गला दबा दूं? कब से बोली जा रहे हैं आप? यार मेरी मैं क्यों ना बोलूं साहब, क्यों ना बोलूं? मैं आया हूं, मैं इनके लिए कुछ संगीत भी तैयार करके लाया हूं। मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी बेसन वेसन लेके बैठे और लकड़ी वकड़ी मैंने मंगा रखी है और आग यहीं जल जाएगी। तो मैं आपको एक गाना सुनाता पोनियन सिल्वन पोनियन सिल्वन। क्या फिल्म बनाई है, जाके देखना बड़ा मजा आएगा। हाथी भी है, घोड़े भी हैं, तलवारें भी हैं, लेकिन यूज नहीं की गन। पोनियन सिल्वन Karti Vikram, Pony and silver. Amazing. So cute. Oh, what energy, man. Energy. Super, Siddharth. Woo! Hey, give it up for him, y'all. What a... Oh, my God. Vikram, sir, I heard that you joined Twitter recently. Yeah.
अभी इतनी लेट क्यों? फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था पहले क्या? वेरी शाई. आई वॉज इन इंस्टाग्राम, देन आई वॉज आउट फॉर 4 years. अच्छा, दैट आल्सो आई जॉइंड 1 month बैक, बट आफ्टर व्हाट यू डिड हियर आई एम गोना लीव दैट अगेन. आई वाज ओ लॉर्ड सुपरमैन एंड ऑल दैट. आई वाज आई थिंक आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट ट्विटर. ट्विटर इज वेरी रिस्की आफ्टर लिटिल बिट विस्की. इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. Let's change the topic, please. Too risky. It's too risky. अच्छा, आप सबको पता है ये फिल्म जो है चोल साम्राज्य के ऊपर है, उनकी राजा महाराजाओं की कहानी है. क्वीन का रोल कर रही हैं, राजा महाराजा का रोल कर रहे हैं. आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि राजा महाराजाओं का दौर जो है वो वापस आना चाहिए, और क्यों? आप अपने विचार रख सकते हैं. जी सर. हेलो एवरीवन. हेलो सर. हाय कपिल सर. हेलो सर. मैं निधीश चौबे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, वहाँ डीपी विप्र कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं. अच्छा जी, किस चीज के प्रोफेसर है सर? इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा जी, हमारा पंखा खराब हो गया. वो अर्चना जी रखती है छोटा टेबल फैन ना सामने, वो चल नहीं रहा है. चलिए सर, अच्छा यदि यहाँ मेरे को कुछ काम मिल जाएगा तो वहाँ से छोड़ के मैं यहीं आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे को इतना अच्छा लग रहा है इस शो में, और खासकर आपके सामने आज. शुक्रिया, बहुत सुपर, बहुत आई एम. शुक्रिया चौबे साहब, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. थैंक यू सर. और मैं तो बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि जो राजा महाराजाओं का जो दौर था वो जरूर वापस आना चाहिए. क्यों सर? क्योंकि मैंने इतने सारे महल, सब जयपुर और सारे महल मैंने देखे, तो वहाँ की जो भव्यता, बड़े बड़े उनके सैकड़ों एकड़ में जो महल बने हुए हैं, और दीवाने खास, दीवाने आम, और बहुत सारे कमरे, करीब 40-50. और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी राजाओं के लिए कि शादी करने की उनकी पूरी स्वतंत्रता थी. उनको कम से कम 25 से 30 महारानियां थी उनकी. वो इसीलिए होती थी, महल बड़े होते थे, मिलती नहीं थी एक बीवी. वो ढूंढते थे कहाँ कौन से कमरे में गई है. मन की बात आपकी अब सामने आई है. ये जो शादी, चौबे जी मन नहीं भरा आपका एक शादी से? मैडम प्रोफेसर साहब घर पे भी इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आज ही रटा मार के आए हैं. करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बातें करते हैं. नहीं, अब जैसे भी रहे, रानियां तो इनकी कई भी रहे, पट रानी तो एक ही रहेगी. चौबे साहब क्या कहेंगे, खुला निमंत्रण दिया है उन्होंने आपको. कितनी भी रानियां रहे कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं फ्री हो गया, मैं कहीं भड़ास निकालने की जरूरत नहीं, अब इन्होंने मुझे फ्री कर दिया. ये भी इन्होंने ये कैमरा पे बोला, घर जाके मरोड़ेंगे आपका चौबे जी, वैसे बाजू फिर आपको पता चलेगा. शुक्रिया चौबे जी शो में आने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू कपिल सर. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त मित्र अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी जी मैडम. हेलो कपिल सर. नमस्कार जी. हेलो अर्चना मैम. हेलो एवरीवन. मैं आज ये जवाब सब मेरे जैसी खूबसूरत औरतों की तरफ से बोलना चाहूंगी. जी जी. हम लोगों के लिए ये वाला दौर अगर वापस आ जाए तो बहुत ही परेशानी वाला रहेगा. क्यों? मैं तो अपने पति को अच्छे से मतलब GPS के थ्रू ट्रैक करती रहती हूँ, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब आ रहा है. देर हो गई तो फोन लगा लेते हैं. ओह माय गॉड. और अगर पहले का दौर वापस आ गया तो युद्ध का बोल कर जाने कौन सा युद्ध लड़ने निकल जाएंगे. कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं होगा. तो सर अभी का जमाना सही है. आपके पति आ जाए आपके साथ? नहीं, पति को ट्रैक कर रही है अभी, कहाँ है इस वक्त वो. ट्रैक चेक कर लीजिए, किसी और ट्रैक पे ना चल रहे हो आज, आप इधर बैठी हुई हैं. शुक्रिया मैम, धन्यवाद शो में आने के लिए. और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल. हाय एवरीवन. मैं मोनिका पांचाल मुंबई विले पार्ले से आई हूँ. मोनिका जी स्वागत है आपका. सास के साथ आई हूँ आज. ये आपकी सास है? हाँ. वाओ, आपको दोनों बहने लग रही हो. वाओ, सीरियसली? मैं आज बहू की तरफ से बोलने वाली हूँ. मुझे चाहिए कि जमाना वापस आए, क्योंकि राजा होता है उसकी रानी होती है, रानियों की बहुत सारी दासियां होती है. बस आजकल तो सास की एक ही तकलीफ होती है कि बहू कुछ काम नहीं करती है. हाँ. दासियां होगी तो सब सास का काम करेगी और बहू आराम करेगी. आपकी सास तो पूरी उफ, क्या बात है. मोनिका की सास, एक बात बताओ आप. यस yes. आप तो इतनी छोटी सी हैं, बेटे की शादी भी कर दी, सास भी बन गई. हाओ, 2 साल हो गया बेटे की शादी को. अच्छा जी. वाह, अभी टाइम निकाल के अपनी भी कर डालो. पर अच्छा लगा आप दोनों को साथ में देख के. सास बहू साथ में बैठी हुई हैं, बड़ी बात है.
ओह, और बैठ के हंस रही है ये, और भी बहुत क्या बात है। पी भी देती, घर पे भी इतने प्रेम से रहती है कि टीवी के लिए हो रही है ये? नहीं, यस यस यस। अच्छा जी, मैं वर्किंग हूँ ना, तो मैं तो रहती नहीं हूँ, सैटरडे संडे ही मिलना होता है, तभी बनती बड़ा यार। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी। आइए विक्रम सर, त्रिशा, कार्तिक सर, जयराम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और ढेर सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए तो हैं, ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। थैंक यू। और आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कपिल, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर, इट्स बीन सच एन ऑनर, एंड वी लाइक टू थैंक मनी सर एंड आवर प्रोड्यूसर सुभाष फॉर हैविंग अस हियर विद यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चनगर, सो नाइस। थैंक यू। और इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।